तो नहीं पता है अब जॉब नहीं जाएगी लेकिन माइंड को यह पता है कि कभी भी जा सकती है तो माइंड की डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पर आ गई जो एट रिस्क पड़ी हुई है कि कभी भी जा सकती है तो माइंड के अंदर फियर और इनसिक्योरिटी कॉन्स्टेंट होने लग गई अब जॉब नहीं जा रही लेकिन फियर और इनसिक्योरिटी है क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है गया वो समय के 60-70 के बाद कोई ब्लड प्रेशर होता है कोई किसी को है अभी गया अभी हम कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है गया वो समय की शादी की अभी एंड तक इकट्ठे रहेंगे गया वो समय कभी भी कुछ भी हो सकता है सो so, जब सिचुएशंस नॉर्मल नॉर्मल चल रही थी तो माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता तो फिर भी नॉर्मल चलता लेकिन सिचुएशन जब इतनी वेरिएबल हो गई और वेरिएबल पे माइंड को डिपेंडेंट कर दिया तो माइंड कितना वेरिएबल होने लगा तो फिर वो मन की शक्ति कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे फिर ऐसे जाते ऐसे ऐसे जाते ऐसे, ऐसे, ऐसे तो वो मन की शक्ति क्या होने लगी घटने लगी और सिचुएशन जितनी मुश्किल होने लगी और मन उस पर डिपेंडेंट था तो मन की शक्ति और घटने लगी अब इस इक्वेशन को ही चेक कर लेते हैं उन्होंने ऐसा किया तो मैं परेशान काम नहीं पूरा हुआ तो मुझे गुस्सा आया ट्रैफिक इतना था तो मैं इरिटेट हुआ बच्चा बीमार है तो चिंता तो होनी है ये वन वे ऑफ लिविंग है दूसरी वे ऑफ लिविंग है ट्रैफिक इतना था मैं स्टेबल बच्चा बीमार मैं स्टेबल उन्होंने काम नहीं किया मैंने राय दी लेकिन मैं स्टेबल किसी ने कुछ कहा अच्छा नहीं था उनकी नेचर मैं स्टेबल हो सकता है ऐसा बात पॉसिबल नहीं है बात यह है कि सच क्या है सच क्या है यह सिचुएशन है मेरे जीवन की तो ये भी सिचुएशन हो सकती है मैं इस फ्लावर पॉट के बारे में दस थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं अभी बैठ के हम कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ये हमारे जीवन की सिचुएशन है सिचुएशन थोड़ी ज्यादा होने की जरूरत होती है कोई ये भी सिचुएशन है इसके बारे में सोचना शुरू कर दो इसके बारे में हम जो सोचेंगे और जो फील करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट है अब सेम सिचुएशन ये अगर हम सबको इसके बारे में फाइव थॉट्स क्रिएट करने हो तो ये तो एक ही है विच मीन्स परिस्थिति सेम क्या सब लोग सेम फाइव थॉट्स क्रिएट करेंगे यू थिंक अबाउट इट सिचुएशन इज इक्वल टू थॉट्स सिचुएशन सेम तो सबकी थॉट्स भी सबकी थॉट्स भी ये जीवन की बात है ये जीवन की समस्या है जो सामने आई है सबके सामने सेम आई है सब लोग सेम ट्रैफिक में अटकते हैं सौ लोगों का सेम बॉस है जो सेम गलती के लिए सेम तरह से सबको डांटते हैं सबके बच्चे कभी ना कभी बीमार होते हैं सबके बच्चों की बारहवीं क्लास होती है तो बहुत सारी सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम आती हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस सोच कोई उसी सिचुएशन में बहुत हाइपर कोई थोड़ा हाइपर कोई हाइपर कोई काम कोई बहुत पीसफुल सिचुएशन तो नहीं बदली तो अगर सिचुएशन पर माइंड डिपेंडेंट सच है तो फिर उसी सिचुएशन में सबका माइंड कैसा होना चाहिए एक जैसा तो आज इस रिट्रीट सेंटर में पहले इस इक्वेशन को तो ये एक इक्वेशन ही कारण है जीवन की सारी मुश्किलों का क्योंकि हमने कहा जैसी बात और शक्ति को घटाते गए